नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मा में। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, अगर एयरटेल यूज़ कर रहे हैं या जियो यूज़ कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है। ये वीडियो जरूर देखिएगा और इसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सही है, कितना गलत है, और जो आपका ओपिनियन होगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक एज इन्फॉर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता होगा एयरटेल की तरफ से, जिसमें जो 4G वाली गर्ल्स है वो बता रही है कि प्रूफ जो मांगती है कि स्पीड जो है किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो स्पीड बता रही है कि स्पीड टेस्ट डॉट नेट का एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में रहता है वो स्पीड चेक करने के लिए, उसके आधार पर बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड जो है इंडिया में वो 4G है एयरटेल का। लेकिन ट्राई का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है फ्लक्चुएट करते हुए जियो नंबर 1 पे आता है, इसका एयरटेल 2 या 3 नंबर पे आता है। लेकिन नंबर 1 पे एयरटेल अभी नहीं है। फिर भी इस एडवर्टाइजमेंट को देख करके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, जो एयरटेल का स्पीड जो है ये जियो से बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, ये फ्रॉड है। ये आप ट्राई के ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ट्राई ऑफिशियली बोल दिया है कि जियो नंबर 1 है। अब बताइए कि आप ट्राई के बात पर विश्वास कीजिएगा या वो एडवर्टाइजमेंट में जो गर्ल शो कर रही है उसके बात पर विश्वास कीजिएगा। और दोनों में कन्फ्यूजन क्या है वो एक यूट्यूबर ने ऑलरेडी उसको रिवील कर दिया है, बता दिया है। रीज़न ये है, मैं आप लोग को बता देता हूँ उसका सारा कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर जियो जो है, अगर SIM 1 में है, अगर SIM 1 ट्रे जो है सिम ट्रे में, उसमें अगर जियो लगा हुआ, इसके बाद स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपको जियो का रिपोर्ट बताया कि जियो का ये स्पीड है। अगर आपका SIM 2 में जियो है और SIM 1 में एयरटेल है, इसके बाद स्पीड टेस्ट डॉट नेट पर अगर स्पीड चेक करते हैं, इसका फाइनल रिपोर्ट चेक करते हैं, तो वहाँ पर आपको एयरटेल का बताएगा, न कि जियो का बताएगा। यही कन्फ्यूजन के कारण उसके पास जो डेटा स्टोर होते चला गया स्पीड टेस्ट डॉट नेट के डेटाबेस में, वो आ गया रिपोर्ट एयरटेल के बारे में। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं, सेकंड सिम ट्रे में जियो को रखते हैं, मतलब सेकेंडरी नंबर के रूप में रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए। क्योंकि अभी एक तरह से टेस्टिंग है, कंफर्म नहीं है कि क्या इसका रहेगा, नेटवर्क नहीं लग रहा था, इस कारण से सेकेंडरी सिम इसको बनाया गया था, और प्राइमरी सिम या तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जो भी है वो सिम यूज कर रहा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजोरिटी इंडिया में जो है, अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करते हैं, तो एयरटेल का सब्सक्राइबर ज़्यादा होने के कारण उस फर्स्ट सिम में वो रहता था क्या, एयरटेल। अब जब स्पीड टेस्ट हुआ तो वहाँ पे बता रहा है कि अगर रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे एयरटेल के नाम पे, मतलब एयरटेल के क्रेडिट में ये चला जाता है कि इसका ये स्पीड है, जिस कारण से उसका सारा रिपोर्ट जो आता है एयरटेल का स्पीड सबसे वो नंबर 1 पे आता था। इसी को बेस बना करके वो 4G वाली गर्ल्स जो है वो पब्लिकली, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में आकर के ऐसा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एयरटेल एक तरह से चीटिंग कर रहा है, ये धोखा है। तो दोस्तों, इस टाइप के फ्रॉड से बच के रहिए, बिंदास यूज कीजिए, जो भी है ओपनली है, मैं आप लोग को ओपनली बताता भी रहता हूँ, कुछ भी नया चीज़ आता है। तो इसीलिए आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद नहीं तो लाइक बटन लाइक कीजिए, कुछ सवाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक एज इस फोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।